दोस्तों, अगर आप महीनों में 1 लाख के आसपास सैलरी अर्न करना चाहते हो, अगर आप इंडिया से बाहर जाके किसी कंट्री में नौकरी करना चाहते हो, अगर आप यूरोप कंट्री में जाने के लिए सोच रहे हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसी क्या जॉब है जिसमें आप इजिली 1 लाख के आसपास सैलरी अर्न कर सकते हो, जिसमें आपका उतना इंग्लिश नहीं चाहिए, इजिली आप जा सकते हो, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप लोग देख रहे हो अब्रॉड जॉब्स गाइड। आज हम बात करने वाले हैं क्रूज शिप जॉब के बारे में, क्योंकि आज का जो वीडियो है इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। क्रूज शिप का वीडियो तो मैंने बहुत बनाया, लेकिन इस वीडियो सबसे स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा डिटेल्स में हम दिखा दिया है आपको, खुद अप्लाई करके आपको कैसे अप्लाई करना है। बहुत सारा जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, किसी भी सेक्टर से आप हो, कुलिनरी सेक्शन, होटल का किसी भी इंडस्ट्री, हाउसकीपिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट से अगर हो, आपने सेल्स में हो गया, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो क्रूज में, तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। हम खुद अप्लाई किया, उसमें भी आप देख पाओगे कैसे हम अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास अप्लाई करना नहीं आते तो वीडियो को फुल देखो, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हम इस वीडियो में क्रूज शिप के बारे में कुछ डिटेल्स में बताने वाला है, जिसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रहा है और बहुत सारा लोगों का भी रिक्रूट कर रहा है। जो क्रूज का हम बात करने वाला है उसका नाम है वाइकिंग क्रूज लाइन और वर्जिन क्रूज लाइन, क्योंकि ये जो दो क्रूज लाइन है सबसे ज़्यादा अभी रिक्रूट कर रहा है, क्योंकि नया कुछ क्रूज लॉन्च हुआ है जिसमें आदमी की ज़रूरत है। तो इसलिए क्या हो रहा है, आप किसी भी जगह पे काम नहीं किया, ओनली फ्रेशर हो, तो भी आप लोगों को लिया जा रहा है, क्योंकि आदमी की जरूरत है इधर, ठीक है। क्योंकि इधर जो है ना, 2-3 क्रूज नया लॉन्च हुआ है। एक क्रूज में आपको पता है बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारा लोगों की जरूरत है। तो अगर एक क्रूज नया लॉन्च होता है तो उसमें बहुत सारा लोगों की भी डिमांड रहता है। तो डिमांड के लिए क्या हुआ, अभी बहुत लोगों को हायर कर रहे हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन करोगे 100% चांस है आपका जॉब मिलने का। तो क्या करना है, देखो दोस्तों, क्रूज शिप में बहुत सारा सेक्टर रहता है, ठीक है। जैसे आपका हाउसकीपिंग हो गया, अगर आप होटल पे डिपार्टमेंट, होटल के अंदर अगर आपने कुलिनरी में आते हो, जैसे शेफ हो गया, कॉमी हो गया, किसी भी जगह का मतलब नॉर्मल किचन हेल्पर हो गया, क्लीनिंग डिपार्टमेंट से हो गया, अगर आपने सेल्स का काम किया है तो सेल्स का हो गया, एंटरटेनमेंट, बच्चा को जो बच्चा लोग होता है उनका जो एंटरटेनमेंट होता है किड्स सेक्शन में, उसमें भी बहुत सारा जॉब अवेलेबल रहता है। अगर आप मेडिकल सेक्टर से हो तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो किसी भी सेक्टर से आप हो तो आप इजिली क्रूज के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अभी जो वैकेंसी आया है वो बाइकिंग और वर्जिन के बारे में हम बताने वाले हैं। देखो इसमें क्या है, सैलरी बहुत हाई है, क्योंकि इसमें जो सैलरी होगा, आप किसी भी सेक्टर में अगर जाओगे, जैसे आप मान लो आप किचन हेल्पर, या आपने पूरा क्लीनर हो, क्लीनर किचन यूटिलिटी, गैली यूटिलिटी, इसे पोस्टर हो, ये जो पोस्ट है इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हो आप, इसमें भी आपका सैलरी मिनिमम 80,000 के आसपास आपका सैलरी मिलने वाला है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, आपका इंग्लिश की जरूरत नहीं है। अगर आपने इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है यूरोप जाने का बहुत ईजी नहीं है, यूरोप जाने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, आपका इंग्लिश मिनिमम चाहिए, ठीक है। लेकिन क्रूज का एक फैक्टर है जिसमें आप यूएस तो जा सकते हो, उसके साथ साथ यूरोप भी जा सकते हो। क्रूज शिप एक ऐसी शिप है जिसमें आप यूरोप के साथ साथ यूएस भी जा सकते हो, क्योंकि क्रूज में आपको मिलता है C1D वीजा। C1D वीजा क्या है, जिसके थ्रू आप यूएस में एंटर कर सकते हो, यूएस C1D वीजा होता है। उसके साथ साथ आपका सेनेगन वीजा भी मिलता है। तो इसके साथ साथ आप यूएस भी जा सकते हो, यूरोप भी जा सकते हो। अगर आप पार्टिकुलर किसी यूरोप कंट्री में जा रहे हो तो आपको यूएस जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का वीजा अलग है। लेकिन क्रूज में काम करोगे तो आप लोगों को बोल पाओगे मैं यूएस से लेके पूरा दुनिया घूम चुका हूं, क्योंकि क्रूज में ऐसे फैसिलिटी आपको मिलता है, दूसरे किसी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि क्रूज में आज आप पुर्तगाल में हो, कल बेल्जियम में, कल फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, पूरा दुनिया आप क्रूज के जरिए घूम सकते हो। बहुत लोगों का ड्रीम होता है पूरा दुनिया को घूमने का। तो इसके अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में अभी तक नहीं आया जिसके थ्रू आप पूरा दुनिया घूम सकते हो। क्रूज शिप एक ऐसी कंपनी है जो क्रूज शिप में अगर आपको जॉब मिल गया तो आपको दुनिया घूमने का मौका मिल जाएगा। जो आप किसी आपका अगर छोटा बच्चा है या कोई दोस्त है तो उन लोगों को बोल पाओगे ऐसी कोई कंट्री नहीं है हम नहीं गया, पूरा दुनिया आप फ्रांस बोलो, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ब्राज़ील, किसी भी कंट्री आप घूम पाओगे, ठीक है। तो इसका
टाइटेरिया के। देखो अगर आपका ड्रीम है क्रूज शिप में जॉब करना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ड्रीम है यूरोप में जाना तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम जो है ना आपका क्रूज के लिए बेस्ट सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ आपको कैसे क्या क्या अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसीडियर होता है, आपका रिज्यूम कैसी तरह से बनाना चाहिए वो भी हम बना के देते हैं। उसके साथ साथ आपको मैं इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हो। अगर आपके पास प्रॉपर रिज्यूम नहीं है तो आप एप्लीकेशन करने से पहले एक रिज्यूम की जरूरत पड़ेगा, वो आप रिज्यूम बना सकते हो। आप मेरे साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत चीप प्राइस में आपको बहुत अच्छी रिज्यूम प्रोवाइड करता हूं, जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन चांस 100% रहता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रिज्यूम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रू शिप में अप्लाई करने के लिए, या किसी भी कंट्री में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपके लिए रिज्यूम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं स्क्रीन में जाके क्या क्या कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वर्जिन क्रूज कैरियर, वर्जिन VIRGIN वर्जिन कैरियर, ठीक है ये वाला। तो इसमें आपको क्लिक करना है, इसमें क्लिक करने के बाद आपको ये सब पेज आएगा, देखो वर्जिन कैरियर, ठीक है। थोड़ा देखो इधर इधर नीचे प्रोविजन स्टोर्स, ठीक है, उसके साथ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट हाउसकीपिंग कुलिनरी सैनिटाइजर एडमिनिस्ट्रेशन बार, ये जो ये हर एक डिपार्टमेंट पे, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हो। मान लो आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से हो, मान लो आप सैनिटाइजर मतलब क्लीनिंग डिपार्टमेंट से हो, मतलब आप मान लो कुलिनरी डिपार्टमेंट से हो, तो कुलिनरी में कौन सा डिपार्टमेंट आता है, मतलब कुक शेफ कॉमी ये सब होता है, तो इसमें आप क्लिक करना है। मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। देखो इसमें आपको क्या क्या जॉब अवेलेबल है आप लोग स्क्रीन में देख सकोगे। देखो सबसे पहले इधर कुलिनरी में आना होगा, जाने के बाद थोड़ा वेट करना है। देखो ये साइड में कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ तो आपको इधर जो इधर आपको क्लिक करना है, फिर से देखो पेज आ गया, ठीक है, वेट करना है क्योंकि ये पेज में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, ठीक है, ये देखो आ गया। तो अभी देखो क्या क्या वैकेंसी अवेलेबल है। देखो बेकर में वैकेंसी अवेलेबल है, एग्जीक्यूटिव शेफ इसमें भी वैकेंसी अवेलेबल है, असिस्टेंट कुक इसमें भी वैकेंसी अवेलेबल है, असिस्टेंट कुक कुलिनरी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें भी वैकेंसी अवेलेबल है, जूनियर शू शेफ इसमें वैकेंसी अवेलेबल है, शेफ दे पार्टी में वैकेंसी है, उसमें साथ साथ एशियन शेफ जो पैन शेफ होता है उसके भी वैकेंसी है, शेफ दे पार्टी में वैकेंसी है, पेस्ट्री शेफ दे पार्टी में वैकेंसी है। तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में ऐसे बहुत सारा जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, कुक के लिए वैकेंसी है, बुचर के लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट पेस्ट्री के लिए वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव शू शेफ के लिए वैकेंसी है। तो अगर आपको अप्लाई करना है किसी भी एक पोस्ट आपका हो सकता है। देखो मान लो मैं आपको सोच रहा हूँ आप कुक हो, आपने कुक में काम किया, तो आपको क्या करना है, इधर कुक में अप्लाई करना है। कुक में अप्लाई करने के बाद नीचे आपको इधर डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हो जॉब सामरी, क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, मतलब आपका काम क्या है इधर लिखा हुआ है, ये आपको थोड़ा बहुत देखना है, ठीक है। उसके साथ अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इधर पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा। अगर मान लो मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा नाम VISWAJIT विश्वजीत, माई नेम इज विश्वजीत जाना, ठीक है, तो ऐसे लिखना है। उसके साथ साथ आपका ईमेल, ठीक है, आपका जो भी ईमेल रहेगा ऐसा ऐसा कुछ भी ईमेल होगा आपका, ठीक है, तो ऐसे ईमेल आपको इधर एंटर करना है, ठीक है, ऐसे एंटर कर दिया। उसके बाद इधर जो आपको देख रहे हो इधर रिज्यूम रिक्वायर्ड, तो इधर आपको रिज्यूम एंटर करना है। अगर आपको रिज्यूम चाहिए किसी का एक रिज्यूम, ये आपका रिज्यूम हो गया, ठीक है, तो ऐसे आपका रिज्यूम इधर डालना है। डाल के मैं एक दिखा रहा हूं आपको, देखो ये वाला मैं सोच रहा हूँ रिज्यूम है, तो आपको इधर इधर डालना है, ठीक है, डाल के इधर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। देखो कभी कभी क्या होता है इधर अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद प्रॉब्लम होता है, कभी कभी डायरेक्ट इधर ऐसे हो जाता है। अगर नहीं होता है तो थोड़ा आपका जो रिज्यूम का जो साइज है उसको आप डिक्रीज करके एप्लीकेशन कर सकते हो, तो आपका प्रॉब्लम नहीं आता। उस टाइम पे आपको मेल आ जाएगा, वी हैव रिसीव योर एप्लीकेशन सबमिटेड टू कुक पोजीशन एंड विल बी रिव्यूइंग योर रिज्यूम शॉर्टली। तो ऐसे आपको अप्लाई करना, इधर बहुत सारा वैकेंसी अवेलेबल है दोस्तों, बहुत सारा, आप लोग स्क्रीन में भी देखा, आप लोगों के लिए मैं दिखाया, बहुत ईजी है अप्लाई करना। तो इसमें बहुत सारा जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, नॉट ओनली कुलिनरी, अगर आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से हो तो भी आपको बहुत सारा जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो, जैसे पूल सर्विस अटेंडेंट, टेलर, तो लॉन्ड्री मैनेजर, लॉन्ड्री स्टाफ, ठीक है, देखो बहुत सारा, देखो पब्लिक डेक मैनेजर, ठीक है, ऐसे केबिन होस्ट, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, किसी भी आप पोस्ट का हो, होटल यूटिलिटी में भी वैकेंसी है। अगर आपको अप्लाई करना है यूटिलिटी, किसी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप डायरेक्ट इधर जाओगे, जाने के बाद ऐसे क्लिक करना है, उसके बाद आपको इधर जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपका फुल नेम इधर डालना है, आपका ईमेल एड्रेस इधर डालना है, आपका रिज्यूम इधर अपलोड करना है, सबमिट करना है, आपका हो गया। तो ऐसे आपको इजीली अप्लाई करना है क्रूज के लिए दोस्तों, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे को पता है अभी तक वीडियो देख रहे हो लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो दोस्तों, और एक लाइक जरूर करो, क्योंकि हम एक आपकी एक लाइक की वजह से, एक सब्सक्राइब की वजह से हम जो वीडियो बनाता है उसका मोटिवेशन बहुत हाई होता है, नया वीडियो लेके आने के मन करता है। तो प्लीज एक सब्सक्राइब करो और एक कमेंट जरूर करो, आप कौन सी कंट्री में यूरोप में घूमना चाहते हो वो कंट्री का नाम बताओ। हम दुआ करते हैं आप जितना जल्दी हो सके आपका जो पसंदीदा नौकरी है वो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।